हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई यानी अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती, सैलरी 18,000 रुपये मासिक। जल्दी करें, अंतिम तिथि से पहले आवेदन भेज दें। सीधी भर्ती है, आपको आवेदन भेजना है लिख करके, या आप टाइप भी करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। 11 जुलाई 2019 का अपडेट है और इसी प्रकार की खबरों के लिए YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के लिए है, सब जितने भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती है छत्तीसगढ़ों के लिए है। मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनके लिंक, आप वहाँ से भी अच्छे से देख लें। लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर का पत्र, ठीक है, 24/6/2019 के तहत राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के तारतम्य में नारायणपुर जिले में संचालित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के रिक्त पदों पर अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। नारायणपुर ओरछा में अंग्रेजी के 10 पद, गणित के 18 पद, भौतिक के 10 पद, रसायन के 6, जीव विज्ञान के 11, वाणिज्य के 6, इस प्रकार से टोटल 60 पद हैं, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको, पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कैसा भरना है मैं बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा रूप बता रहा हूँ, आपको पूरा जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आवेदन आप भरेंगे उसका प्रारूप है आवेदक का नाम, आप किसके लिए भर रहे हैं, अतिथि शिक्षक या फिर अतिथि विद्वान, ठीक है। उसके बाद विषय, आवेदित शाला का नाम, किस शाला में भर रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जानकारी। आवेदक का नाम, आवेदक के का अंग्रेजी नाम, पिता का नाम, आप महिलाएं या पुरुष हैं, जाति हिंदू हैं, जो भी है आप। उसके बाद वर्ग, किस कैटेगरी में आते हैं, जन्मतिथि, फिर जन्मतिथि शब्दों में पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, मतलब आप जहाँ रहते हैं, अगर आपका स्थायी पता है तो स्थायी में कर दें या फिर वर्तमान है तो वहाँ पर लिखें। स्थायी पता भी लिखना है आपको, अगर दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम ही लिखना है। मोबाइल नंबर, क्या आवेदक नारायणपुर जिले का निवासी है तो आपको एक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और ये आपको भरना है शैक्षणिक योग्यता है, व्यवसायिक योग्यता। परीक्षा का नाम, विषय, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, जो जो भी आपने करा है, 10वीं 12वीं, स्नातक, DED, यहाँ पे स्नातक और DED मांगा है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। उसके बाद क्या पूर्व में विद्यालय विद्या मितान के रूप में सेवाएं दी गई है, मतलब आपने पहले कहीं पढ़ाया है क्या, अगर पढ़ाया हो तो उसका वर्ष लिखना है कब से कब तक पढ़ाया हो, और नहीं पढ़ाया तो आपको कट कर देना है, ठीक है। और फिर घोषणा में, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य है, तथा आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखती हूँ, कोई भी जानकारी असत्य अपूर्ण पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी जिम्मेदारी या मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए, ठीक है। दिनांक, स्थान और समय और आवेदक के हस्ताक्षर, इस प्रकार से ये भरना है। सभी जिलों के लिए ऐसे ही भरना पड़ेगा। और दूसरे जिले का देखते हैं, बीजापुर के लिए, बीजापुर में निकली है, 100 पोस्ट हैं, ठीक है। आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सबका वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, पेमेंट और आपको कहाँ पे डाक द्वारा भेजना है, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो शुल्क है कुछ भी नहीं लगेगा, केवल आपको फॉर्म भरना है और बाय पोस्ट भेजना है, ठीक है, रसीद टिकट लगा करके। फिर हम देखेंगे राजनांदगांव का, राजनांदगांव में 91 पद है, अंग्रेजी के 28 पद, गणित के 33, भौतिक के 6, रसायन के 12, जीव विज्ञान के 12, इस प्रकार से टोटल 91 पद हैं। मैंने थोड़ा पद सबका बताया है। बलरामपुर में 285 पद निकले हैं, नारायणपुर में 60 पद हैं, कांकेर में 200 पद हैं, कोंडागांव में 250 पद, दंतेवाड़ा में 57 पद, जगदलपुर में 5, राजनांदगांव में 91, बीजापुर में 100 और राजगढ़ में 102, इस प्रकार से लगभग 1150 पद हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप जल्दी से आवेदन कर दें,
आवेदन आपको 30 जुलाई तक करना है, वहाँ पे आपको आवेदन की अंतिम तिथि भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक और बीएड मांगा है इसमें। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है। सैलरी आपको 18,000 रुपये मासिक मिलेगी। इस प्रकार से जानकारी थी, आप भर दें। अभी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है। सैलरी 7,000, 9,000, 5,000 रुपये मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 18,000 रुपये मासिक देने की बात कही है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो सैलरी मिलेगी स्कूल के द्वारा मिलेगी, तो आप यदि इस शैक्षणिक योग्यता को रखते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दे। इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।